हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बेटर आरएसआई इंडिकेटर के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। ये जो बेटर आरएसआई है, ये इंडिकेटर कैसा वर्क करता है और इसके सिग्नल आपको कैसा मिलेगा बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। इस सिग्नल के हेल्प से आप कैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को आप ट्रेड कर सकते हो। इसे आप स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन हो गया और स्टॉक्स में भी आप एनालाइज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको मिले जाता है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी डाला हुआ है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स डाला, तो यहाँ पे आप कोई स्टॉक को डालना चाहते हैं तो आप कोई स्टॉक को भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं एनटीपीसी डालता हूँ, देखिए यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड आ गया, एनएससी। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला, ठीक है, तो यहाँ से आप स्टॉक भी आप डाल सकते हो। और अगर आपको स्टॉक के साथ तो कुछ और भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, मान के चलिए बैंक निफ्टी डालता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये जो इंडिकेटर है। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखने के बाद पे यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद पे आपको यहाँ पे सर्च करना है बेटर आरएसआई, ठीक है। बेटर लिखने के बाद जैसे ही आप आरएसआई लिखोगे तब जाके इंडिकेटर आ जाता है। यहाँ पे बेटर आरएसआई पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक, जैसे मैं बेटर स्टोकेस्टिक आरएसआई को लगाता हूँ, ये देखिए कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहा था। ये इंडिकेटर को आपको नहीं लगाना है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये बुलिश और बियरिश, ये वाला तो देखिए इंडिकेटर, ये भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा। इसको यहां से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, आरएसआई का कलर, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक डाल देता हूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये था दूसरा आरएसआई। अब यहाँ पे और आरएसआई देख लेते हैं हम। ये इंडिकेटर को मैंने लगाया, ये देखिए, ये और एक आरएसआई लग गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आरएसआई है इसमें आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस का लाइन दिखा रहा है, ठीक है। ये आरएसआई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ देखिए कलर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। देखिए यहाँ पे भी ऊपर यहाँ से रेड, यहाँ से नीचे गिरने वाला, तो कलर चेंज हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेटर आरएसआई में और कुछ कलर चेंज करने के लिए है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बेटर आरएसआई को इसको हटा देते हैं। ये जो आरएसआई था, ये आरएसआई प्लस टॉप, ये एक आरएसआई हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको भी हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटर आरएसआई नॉर्मल वाला, ये देखिए बेटर आरएसआई दिख रहा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं ये देखिए, ये जो इंडिकेटर है ना बेटर आरएसआई, ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे आप ये इंडिकेटर को आप लीजिएगा। इसको मैं आरएसआई को यहाँ पे, इसको सेटिंग में आपको जाना है, सेटिंग में चले जाइएगा, इनपुट में कुछ भी चेंज मत करिएगा, आरएसआई में जाइएगा। आरएसआई में इसको आप ब्लैक कर दीजिए, ठीक है, विजिबिलिटी को आप रहने दीजिए, स्टाइल को आप कलर ब्लैक करके यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 70 का लाइन है और ये जो नीचे वाला लाइन है ये 30 का लाइन है, ठीक है। तो अगर जब भी ना ये ऊपर चले जाता है, जब भी ये लाइन 70 को टच करेगा तब मार्केट ना ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर चले गया था। तो यहाँ पे हमको आराम से अंदाजा पता चल गया था कि अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, और देखिए मार्केट यहाँ से नीचे ही आया। कभी भी आप देखिए 70 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, तो हमको समझ में आ गया था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आने वाला है। आप ये कर सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, जब भी मार्केट ये जो लाइन है 70 के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आने वाला है। 70 के ऊपर गया, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, 70 को टच करके नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए 70 को टच किया, यहाँ पे 70 को टच करके मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। और जब ये मार्केट नीचे रहेगा ना, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए टच करके ऊपर ऐसे नीचे आया, और ये देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे था,
नीचे गया, यहाँ पर रेड कलर बना, रेड कलर बनने के बाद वो देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चले गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आप एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ आरएसआई में ना, बेटर आरएसआई में, लेकिन यहाँ पे मुझे सिग्नल जरूर मिल गया, लेकिन मैं एंट्री लूंगा तो यहाँ पे एंट्री लूंगा। ठीक है, जब ये जो लाइन है, ये जो लाइन ब्लैक वाला लाइन, ये ब्लू लाइन को टच करके यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तब मैं इस पर ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, तो एंट्री लेने के बाद मैं 30-40 पॉइंट का टारगेट बुक करके मैं निकल सकता। अगर आपको लंबा होल्ड करना है तब होल्ड कर सकते, लेकिन मैं होल्ड नहीं करता, मैं 15 से 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। 15 से 20 पॉइंट टारगेट रख के प्रॉफिट बुक करके मैं एग्जिट कर देता। ये देखिए अब यहाँ पे भी आया, ये यहाँ पे टच करके जैसे ही नीचे आने के लिए हुआ ना स्टार्ट, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, पुट ऑप्शन लूंगा, नीचे आएगा तो 10 से 15 पॉइंट लेके मैं बुक करके एग्जिट कर दूंगा। ये सेटअप से आपको डेली ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, डेली ट्रेड मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी आपको पुट मिला मॉर्निंग के टाइम में, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये देखिए यहाँ से फिर ये ऊपर गया, और देख लेते हैं ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको डेली डेली आपको यहाँ पे एक ना एक ट्रेड, देखिए यहाँ पे तो ग्रीन दिख गया था ऊपर, लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये लाइन को टच करके ये नीचे की ओर आएगा तब लेना है। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर टच करके आया, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया पुट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको डेली आपको एक से दो ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ से नीचे आया। देखिए यहाँ पे टच किया लेकिन ये ऊपर की ओर चले गया, ऊपर से फिर ये घूम के नीचे की ओर आया। देखिए आप यहाँ पे टारगेट जो रखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में है, तो आप यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट भी आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट का रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा। ठीक है, अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में करते हैं ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में करते हैं, देखिए ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमको श्योर शॉट सिग्नल मिल गया था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। देखिए ये और ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे तो आप अपना एंट्री बनाते तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी टच करके मार्केट ऊपर की ओर गया है, यहाँ से भी कॉल ऑप्शन लेते तो आराम से आपको 10 से 15 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाए। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो 10-15 मिनट का 10 पॉइंट 15 पॉइंट का टारगेट रखिएगा, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा। यहाँ पे टारगेट को आप ट्रायल करते हुए चलिएगा, और आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस कैंडल के लो पे रहेगा। प्रीवियस कैंडल के लो पे जैसा आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आपने ये कैंडल पे एंट्री लिया 9:29 में लिया, तो आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके प्रीवियस कैंडल 9:28 के हाई पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से जाके यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, तो आप अपना स्टॉप लॉस इसके बल वाले कैंडल से यहाँ पे अपना शिफ्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करके आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेटर आरएसआई तो आपने लगा दिया ये इंडिकेटर। ठीक है, अगर आप ये आरएसआई नॉर्मल आरएसआई भी लगाते हो, नॉर्मल आरएसआई और ये आरएसआई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इंडिकेटर को भी आप देखिए, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए सेम जगह सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ये जो कलर दिख रहा है ना, ये रेड कलर, यहाँ पे श्योर शॉट सिग्नल मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, एक चीज का ये रहता है कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इनपुट में देखता हूँ, तो इनपुट में शो डाइवर्जेंस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है आपको, इसमें देखते हैं बटन आरएसआई में डाइवर्जेंस के लिए इनपुट है, स्टाइल है, ये देखिए विजिबिलिटी है तो नहीं है। ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा बेटर आरएसआई में, तो डाइवर्जेंस के लिए ना आपको खुद से लाइन खींच के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा लाइन खींच के, देखिए ऐसा करके यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको बेटर आरएसआई में। लेकिन अगर आप ये आरएसआई यूज करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से आप आरएसआई को ऐसा खींच के बना सकते हो डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस मिल जाएंगे अगर आप ट्रेड करोगे तो। बैंक निफ्टी के लिए बेटर आरएसआई लगा सकते हो, आरएसआई भी लगा सकते हो, तो आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आरएसआई लगा लीजिएगा, और अगर आप बेटर आरएसआई लगाते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे मान के चलिए बेटर आरएसआई आपने लगाया है, तो इसके साथ में आपको एक स्टोकेस्टिक आरएसआई का इंडिकेटर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको डबल कन्फर्मेशन देता है, ये आपको फॉल्स सिग्नल से बचाता है। ठीक है, अब जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट में, देखते हैं चलिए, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से, इसमें भी सेम, ये 70 से ऊपर जाएगा तब रिवर्स करेगा तब आपको ट्रेड लेना है, और नीचे 30 से ऊपर जाएगा तब आपको ट्रेड लेना है।
ठीक है 20 से ऊपर जाएगा तो लाइन को टच करके, यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, तो यहाँ पे हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये हल्का सा टच है, ये देखिए टच नहीं है ना, ये टच नहीं है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो भले ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे टच नहीं है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे ही आपका एक ट्रेड बना और यहाँ पे टच है तो ट्रेड बना। और देख लेते हैं हम लोग और कहाँ कहाँ सिग्नल मिला, ये देखिए यहाँ पे भी सिग्नल मिल गया आपको ऊपर जाने का और यहाँ पे भी आपको सिग्नल मिल गया, दोनों जगह डबल कंफर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा था यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेड बना। और ये देखिए अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला आ रहा था, देखिए ये जो 1327 में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा था लेकिन आरएसआई में देखिए ये नीचे आया, टच ही नहीं किया, ये टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। देखिए ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी नीचे आ रहा, तब आपको एंट्री लोगे। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे स्टॉकिस्टिक आरएसआई को लगा के फॉल सिग्नल से आप बच सकते हो। यहाँ पे देखिए एंट्री मिला आपको, यहाँ पे भी एंट्री मिला, सेम जगह पे एंट्री मिला था, ट्रेड लीजिए, यहाँ पे मिला, यहाँ पे दोनों जगह मिला, ठीक है ट्रेड लीजिए। और देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी मिला, यहाँ से गया ऊपर, और देखिए यहाँ से भी मिला, देखिए यहाँ से भी गया ऊपर। तो बैंक निफ्टी में ना आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये आपका और ये आपका ज्यादा निकल गया आरएसआई, तो यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिएगा। यहाँ पे आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं रहता तो मैं यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मेरा दोनों एक जगह पे मैच करना चाहिए, तो मैं सही अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा मैं, ठीक है। और देखते हैं, ये था 4 अप्रैल का था, 4 अप्रैल के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, चलो ये देखिए देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भले मैं ट्रेड में एंट्री लेता, यहाँ पे मैं ट्रेड में एंट्री लेता, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया प्रीवियस कैंडल के लो पे, यहाँ पे कहीं पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो ये स्टॉप लॉस धीरे से ऊपर क्यों चले गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ना अगर ये वीक टच हो रहा ना तब आपको एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज का कि प्रीवियस कैंडल का लो का अगर ये वीक टच नहीं हो रहा है तो आपको एग्जिट नहीं करना, अगर ये पूरा बॉडी बन जाता तब आपको एग्जिट होना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड मिलता, फिर यहाँ पे आपका एक ट्रेड मिलता, ये देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ से नीचे आया मार्केट, यहाँ पे सेम जगह बन रहा है ना दोनों। और देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, यहाँ से भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ना ज्यादा आगे निकल चुका है, देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये आरएसआई में देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेता मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करना है आपको तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई या बेटर आरएसआई को लगा के आप बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बेटर आरएसआई और स्टॉकिस्टिक आरएसआई का यूज करके आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप कैसे आप बहुत अच्छे से आप ट्रेड ले सकते हो। और जैसा कि आपको बता दूं कि मैंने ना यहाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न का ये ई बुक हो गया और ये चार्ट पैटर्न का ई बुक हो गया, ये इसका पूरा कंप्लीट वीडियो ना ये पीडीएफ बुक आपको सॉरी ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से लिंक को क्लिक करके आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने अपने YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट कोर्स का बेसिक वीडियोस अपलोड किया, सेंसेक्स क्या, निफ्टी क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट टाइमिंग, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ऑर्डर और ब्रोकरेज चार्जेस, और यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करके ही बताया हुआ, तो ये सभी वीडियोस आपको मेरे इस कोर्सेज का वीडियो लिंक के नीचे मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ये लिंक को क्लिक करके पूरे कोर्सेज के वीडियोज आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।